थ्री स्कूटर्स वर सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर, तो ये सेलिंग प्राइस है, क्या ये सेलिंग? तो स्कूटर, स्कूटर बी ले लेते और स्कूटर सी ले लेते, ठीक है। तो इसका इसका एसपी कितना है? 20,000। और इसका एसपी 16,800। और इसका एसपी कितना है? 15,000। ये एसपी है, ठीक है। ओके, द रेट ऑफ कमीशन वर 15% ऑन द फर्स्ट। तो कितना कमीशन लिया इसने इस पे? 15%। और इस पे 12%। इस पे कितना लिया कमीशन? 12, ठीक है। हिम ऑन द, देखो क्वेश्चन है ये जो है ना, ये क्वेश्चन। तो फाइंड द कमीशन रिसीव्ड बाय हिम ऑन द थर्ड स्कूटर, इस पे आपने को फाइंड करना है कमीशन, ठीक है, फाइंड करना है, ठीक है, सही है। और क्या लिखा हुआ है? इफ ऑन द होल द एजेंट रिसीव 14,000, ए प्लस बी प्लस सी पे कितना कमाया उसने? 14%। ए प्लस बी प्लस सी पे कितना कमाया उसने टोटल? 14%। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं उसका टोटल कमीशन निकाल लेते हैं। तो टोटल कमीशन कितना हो गया उसका? 14% ऑफ, 14% ऑफ, 14% ऑफ कितना? 20,000 प्लस 16,800 प्लस 15,000, है ना? हेलो, हाँ सर। इट इज इक्वल टू हाउ मच? 14% ऑफ कितना हो रहा है ये बता जरा अपना जल्दी से। 7,250। टोटल अमाउंट बता ना, ये पहले ये बता मुझे, ये कितना हो रहा है? ये 51,800। कितना हो रहा है ये? ओके, 14% ऑफ दिस इज हाउ मच? 725। इसका एक सिंपल जो है ना फंडा बनाऊंगे क्या कैलकुलेट करने का, ये जो है ना परसेंट को दो जीरो, ये है ना 14% है ना, 14%, इसको दो डेसिमल लेने का पीछे, तो ये है ना 1,4, है ना, तो इसको करना है डिवाइड बाय 100। क्या करना है इसको? डिवाइड बाय 100। तो कितना डेसिमल पीछे जाएगा ये? तो ये एक डेसिमल इधर आता था, दूसरा यहां पर आता था, तो कितना होता? कितना होता? 0.14। तो बस 0.14 को मल्टीप्लाई कर 51,800 से। 725 कितना हो रहा? 7,252 के 52 7252 51880 ना, 51880 मल्टीप्लाई बाय 0.14 7252, ठीक है, ये इसका टोटल अर्निंग हो गया, ठीक है ना। तो ये एजेंट का टोटल अर्निंग हो गया। ओके, अब पहले वाले पे कितना कमाया उसने वो बताओ। तो कितना हो गया? 15%, 20,000 का 3,000 हो गया। तो अर्निंग ऑन स्कूटर ए कितना है उसका? 15% ऑफ 20,000 विच इज 3,000, है क्या नहीं? नाउ व्हाट इज द अर्निंग ऑन स्कूटर बी?
स्कूटर बी पे कितना आने हो गया 2016 अर्निंग ऑफ स्कूटर बी इक्वल्स टू हाउ मच 2016 12% ऑफ कितना 1800 कितना हो गया ये 2016 ठीक है। तो अभी इस पे हम निकाल सकते हैं अर्निंग, निकाल सकते हैं ना अर्निंग। हाँ अर्निंग का स्कूटर सी कितना हो जाएगा बता, वो हो जाएगा 7252। क्या हो जाएगा टोटल अर्निंग माइनस अर्निंग फ्रॉम स्कूटर वन माइनस अर्निंग फ्रॉम स्कूटर टू है ना, कितना हो गया 7252 माइनस 3000 माइनस 2016 2236 कितना हो गया 2236 राइट। तो इसने कितना रुपए कमाया इस पे 15000 पे कितना कमाया उसने 2236। तो x परसेंट ऑफ y equals to x into y divided by 100 है ना। तो अपने को ये निकालना है कि कितना परसेंट ऑफ कितना 15000 ना equals to 2236 है क्या नहीं, क्योंकि 15000 बेचा तो उसने इतना कमाया ना 2236 तो कितना टक्का बन रहा है वो। तो क्या होगा अभी बता x into 15,000 divided by 100 है ना equals to 2236 है क्या नहीं, तो यहां पर ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, कैंसिल कैंसिल, तो कितना हो गया 150x equals to 2236 है ना 150x equals to 2236 जैसे देखो x equals to 0 देखो x equals to 14.90 2236 divided by 150 देखो x equals to क्या 14.90 ये हो गया तेरा x का आंसर इसको डालने का रेक्टेंगल में। And what will be the conclusion? Therefore, conclusion क्या रहेगा? The percent commission earned commission percent on scooter 3 is 14.90%। देख लो टैली कर लो इससे क्या आ जा दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, दिख रहा है 15,000 समझा कि नहीं क्लियर। कमीशन ऑन द सेल ऑफ व्हीकल इफ कमीशन वाज 10% एंड प्राइस ऑफ ईच व्हीकल इज 15,000 फाइंड हाउ मच व्हीकल डिड ही सेल। बहुत सिंपल है ठीक है। तो ये एसपी ऑफ वन व्हीकल कितना है 15,000 ओके ये हो गया एसपी ऑफ वन व्हीकल। तो कमीशन ऑन वन व्हीकल कितना है, कमीशन ऑन वन व्हीकल 10% दैट इज तो 10% ऑफ 15,000 विच इज हाउ मच 1500 रुपए। तो एक गाड़ी के पीछे वो कमा रहा है 1500 रुपए, कितना कमा रहा है 15। तो अगर गाड़ी एक है तो कमा रहा है 1500 रुपए, अगर वो कमा रहा है 30,000 तो गाड़ी कितनी होगी, गाड़ी कितनी होगी x क्रॉस मल्टीप्लाई कर अभी 15,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करो अभी, अगर गाड़ी एक है तो कमीशन 15,000 है, अगर कमीशन 30,000 तो गाड़ी कितनी होगी, तो कितना हो गया 30,000 equals to 1500x 30
1000 डिवाइड बाय 1500 इक्वल्स टू x, कितना हो गया x इक्वल्स टू 20, तो वो इसका आंसर है, दिख रहा है? हाँ, ये सब एलिमेंट्री स्टफ थे। ओके, अभी थोड़ा सा एडवांस करते हैं कि ये वाला करते थे, इसमें तुझे क्या समझ में आया बता मेरे को। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़, 2.21 कमीशन एजेंट इज पेड अ फिक्स्ड मंथली इनकम प्लस कमीशन ऑन द सेल्स एट अ फिक्स्ड परसेंट ऑफ सेल्स इफ इन टू सक्सेसिव मंथ्स हिज इनकम्स आर 4406 एंड 5555 रिस्पेक्टिवली एंड द सेल्स। क्या हो गया, ब्लैंक हो गया सर? ब्लैंक हो गया क्या? ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो। अब बता, एंड द सेल्स इन दिस टू मंथ्स आर 46,350 एंड 65,500। फाइंड द मंथली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन। 4, 6, 2, 9, 0 तो फिक्स इनकम भी देते हैं प्लस कमीशन भी देते हैं फिक्स परसेंट पर। हाँ हाँ, तो ये 2 महीने की इनकम है, तो पहले डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। देखो, a commission agent is paid a fixed monthly income plus commission on the sales of at a fixed percent, तो उसका इन उसका जो है ना एक इनकम फिक्स है, उसका बेसिक इनकम है ना, वो फिक्स है कि इसको आपको हर महीने 5,000 देना ही है। प्लस आप उन्हें क्या बोला हुआ है, तेरे को हम एक परसेंटेज पे भी देंगे, क्या देंगे तेरे को, सेल्स देंगे तेरे को, तेरे को हम देंगे कमीशन देंगे, और वो परसेंटेज फिक्स है, वो परसेंटेज क्या है, फिक्स परसेंटेज, कमीशन का परसेंटेज क्या है उसका, फिक्स्ड है, तो उसको एक सैलरी भी फिक्स्ड है प्लस उसको एक कमीशन परसेंटेज भी फिक्स है, ठीक है। तो अभी उसके 2 महीने उसके इनकम, इनकम बोले तो क्या उसका, अभी तो उसका इनकम क्या है, इनकम क्या आएगा उसका, इनकम विल बी दिस, नो बेसिक सेल जो कि फिक्स है प्लस कमीशन परसेंटेज जो कि फिक्स है ऑन सेल्स, है ना। तो 2 महीने की उसकी इनकम क्या बता रही है, 4,400। तो लेट्स से कि वो जैन और फेब, लेट्स टेक द मंथ्स एज जैन एंड फेब, तो जैन फेब में उसका इनकम कितना बता रहा है, 4,406, और फेब में इनकम कितना दिखा रहा है, 5,555। ओके, अभी उसने सेल्स कितना किया होगा, तो ये उसका सेल्स है, तो सेल्स कितना है जैन में, फेब में कितना है, 65,500। अब क्वेश्चन ये है कि उसका बेसिक सैलरी क्या है वो फाइंड करो, और जो परसेंटेज कमीशन है ना वो फाइंड करो, समझा। दो चीजें अपने को फाइंड करने की, बेसिक सैलरी कितना है उसका, तो ये तो उसका इनकम है ना 4,406, तो ये 4,406 किस क्या है, उसकी बेसिक सैल प्लस कमीशन है ना, कमीशन दोनों मिला के उतना हो रहा है। तो अभी ये कैसे निकालने का, बहुत सिंपल है, देखो ये पहले क्या करो, इनकम में डिफरेंस फाइंड करो, क्या करो फाइंड, इनकम में डिफरेंस, इनकम में डिफरेंस फाइंड करो,
इनकम में डिफरेंस कितना है? फाइव 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 माइनस फोर फोर जीरो सिक्स वन 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 फोर नाइन, तो ये इतना ये हो गया. और डिफरेंस इन सेल्स कितना है? सिक्स लिखा ना मैंने, सिक्स फाइव डबल जीरो माइनस फोर सिक्स थ्री फिफ्टी कितना है? एक मिनट. हाँ सरफराज, तो ये कितना डिफरेंस किसमें है, कितना डिफरेंस है सेल्स में? 19,150. अब इससे क्या मालूम पड़ता है अपने को, जब वो 19,150 का माल बेचेगा तो उसको मिलेगा 1149, है क्या नहीं? क्योंकि इतना देखो, उसने इतना कम बेचा तो इतना कम कमाया. तो अगर वो 19,150 और बेचता तो उसको इतने और बढ़ के मिलते थे, राइट? तो अपना फिर वही x परसेंटेज वाला फॉर्मूला आ गया वापस, x परसेंटेज ऑफ y वाला फॉर्मूला आ गया. तो कितना परसेंट ऑफ 19150 इज इक्वल टू 1149, है क्या नहीं? 19150 का कितना टक्का निकालेंगे तो 1149 आएगा. तो क्या आएगा अभी ये? x into 19150 divided by 100 into is equal to, तो x into 19150 divided by 100 is equal to क्या? 1149. तो अभी कर ले मल्टीप्लाई. तो ये एक जीरो कट कर सकता है चाहिए तो तुझे, अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो. एक जीरो कट हो गया. और अगर ये तेरे को डॉट चाहिए तो यहाँ डॉट डाल देना, या फिर इसको ऊपर ले ले. तो क्या हो गया, 19150x इक्वल्स टू 11490, है क्या नहीं? तो x इक्वल्स टू 11490 डिवाइड बाय 1915 कितना हो रहा? 1490 divided by 1915 6 आ रहा है. तो उसका 6% कमीशन है. कितना है उसका? 6% कमीशन. तो उसके सेल पे उसको मिलेगा 6% कमीशन, राइट? तो अभी आ जाओ इस पे. तो जनवरी में जब उसने बेचा 46350 तो 6% तो उसका कमीशन हो गया था, है ना? तो 6% ऑफ 46350 तो कमीशन है ना उसका. तो कितना हो रहा है ये? 6% ऑफ 4630. तो क्या करने का, सिंपल 6 × 46350 डिवाइड बाय 100 2782 कितना हो गया? 2781. तो 2781 तो कमीशन है उसका. तो अभी उसका जो अर्निंग है उसमें से 2781 कमीशन निकाल दो, तो क्या हो रहा है? तो 4406 में से 2781 तो कमीशन है ना? 1625. तो मतलब 1625 उसका फिक्स सैलरी है, समझ रहा कि नहीं? तो ये दोनों चीजें को स्क्वायर में डाल देने का. ये उसका 6 कमीशन है और ये आया समझ में अदनान?